टेक इन्फॉर्मर के एक और नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में आप लोग कुछ ऐसे कूल इन्वेंशंस देखने वाले हैं जो कि एक प्रोफेशनल गार्डनर के पास होने ही चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अभी जो डिवाइस आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिवाइस आखिर किस काम आता होगा? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक टूल ऑर्गेनाइजर है जो कि स्टील का बना है। ये डिवाइस एक साथ 5 गार्डनिंग टूल कैरी कर सकता है, जैसे कि शोवल्स, रेक्स, हुज, ब्रूम्स और भी गार्डनिंग हैंडल टूल्स। इसका वेट सिर्फ 5 पाउंड्स है। इस ऑर्गेनाइजर की खास बात है कि इसमें अलग अलग साइज के क्लैंप्स लगे हैं, जिसमें कि आप लोग मोटे और पतले अलग अलग तरह के टूल कैरी कर सकते हैं। इसका सबसे मेन फायदा ये है कि इस डिवाइस में आप लोग सभी टूल एक साथ रख सकते हैं। किसी भी गार्डनर के लिए एक गार्डन कार्ट को स्टोर करना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी जो गार्डन कार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका साइज काफी कॉम्पैक्ट है और इसे स्टोर करना भी आसान है। मार्केट में इस गार्डन कार्ट के 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इसके छोटे वर्जन का वेट 11 पाउंड्स है, जो कि 150 पाउंड वेट कैरी कर सकता है। इस कार्ट में आप लोग ग्रास, गार्बेज, फायरवुड, रॉक्स और गार्डन सेंट इसमें लगे टायर की मदद से आसानी से मूव कर सकते हैं। इसे आप लोग घर की वॉल पर भी आसानी से हैंग कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल काफी सारे गार्डन क्लीनर टूल्स में आप लोग वायर्स में ही उलझ कर रह जाते होंगे, लेकिन अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर जैपनीज मार्केट में बना ऐसा टूल देख रहे हैं जो कि बैटरी से चलता है। इस टूल में लगे स्पेशल ब्रश से आप लोग काफी आसानी से क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। इसमें लगी बैटरी के साथ इसका वेट 8.6 पाउंड्स है। इसकी बैटरी लगभग 51 मिनट तक चल सकती है। इसमें लगे हैंडल रोड को आप लोग अपने हिसाब से बेस्ट पोजीशन पर सेट कर सकते हैं और इसका ब्रश भी खराब होने पर चेंज किया जा सकता है। आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्डलेस ब्लोवर देख रहे हैं। इसके क्रिएटर के हिसाब से आप लोग इस ब्लोवर से सिर्फ लीव्स ही नहीं बल्कि स्नो, सैंड और स्टोन्स तक भी उड़ा सकते हैं। इस ब्लोवर से लगभग 180 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवा निकलती है। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 90 मिनट्स तक चल सकती है। इसमें लगी ब्रशलेस मोटर वाइब्रेशन भी काफी कम करती है। इस ब्लोवर के साथ अलग अलग नोजल्स भी मिलती हैं, जिनसे आप लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें स्पीड कंट्रोल बटन्स भी लगाए गए हैं। अगर आप लोग काफी जल्दी में हैं, तो इसका टर्बो मोड ऑन करके अपना काम काफी जल्दी निपटा सकते हैं। अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक बेहतरीन स्प्रेडर देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप लोग गार्डन में सैंड, सोल्ट, फर्टिलाइजर्स और सीड्स डालने में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस स्प्रेडर से गार्डन में पानी भी डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप लोग पूरा साल कर सकते हैं, जैसे कि गर्मियों में फर्टिलाइजर डालने के लिए और सर्दियों में आइसिंग एजेंट डालने के लिए कर सकते हैं। इस स्प्रेडर की कैपेसिटी 0.5 गैलन्स है, जो कि मेजर स्केल के साथ आता है। इसमें लगे एर्गोनोमिक हैंडल से आप लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इस एपिसोड में दिखाई गई प्रोफेशनल गार्डनिंग टूल्स इन्वेंशंस आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो को प्रमोट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड बाय।